एवरीवन, आप सबका लवाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही लॉ सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, साथ में केस लॉज को भी लेकर के आए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, जो भी जजमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब भी लेकर के आ रहे हैं और हम आज की सीरीज में अपने इम्पोर्टेंट केस लॉज को कवर करेंगे। आज हम लोग 2023 के मेन के सारे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं। ठीक है, पहला केस है हमारा प्रवीण सिंह निरुपति सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब इसके फैक्ट, पहली बात क्वेश्चन ये समझिए, क्वेश्चन इसमें ये आया कि किसी भी वॉइस का मतलब, किसी भी वॉइस मतलब कि जो वॉइस का सैंपल लिया जा सकता है, तो इस केस में इस चीज़ को क्लियर करते हुए बोला गया सेक्शन 2022 में क्रिमिनल प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन एक्ट लाया गया, उसमें डीएनए, फिंगरप्रिंट इन सब को दिया गया था, पर वॉइस को लेकर के कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस नहीं बनाए गए। तो इसमें जो एक्यूज थे उनकी प्रोसिक्यूशन की तरफ ये आया कि जो वॉइस मेल अभी तक इसमें दिया नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे इसको नहीं लेकर के आ सकते हैं। तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा अगर दिया नहीं हुआ है, ऐसा तो है नहीं कुछ वॉयलेट कर रहा है, तो जो वॉइस सैंपल है उसको लिया जा सकता है। ठीक, पहली बात ये हो गई। साथ में हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस चीज़ को पावर जो रितेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इस केस के अंदर इस केस को मींस जो ये वाला केस है उसमें रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को जोड़ते हुए बोला कि उसमें मजिस्ट्रेट को पावर दी गई कि वॉइस सैंपल को वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा केस है वो हमारा केस है पीथाम्बरम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक, अब इसमें क्या होता है, क्या एसपी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं? तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पावर एसपी के पास नहीं है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे मजिस्ट्रेट के पास पावर है, उन वही अगर देते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ही वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब पुलिस के पास ऐसा कॉग्निजिबल ऑफिस आता है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पर वो एक बार जब मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते बिना उनकी ऑर्डर और परमिशन के। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है केस है हमारा गुवाहाटी देवी डेड थ्रू LR वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश OR। अब इसमें भी सेम एक तरीके से केस आया था, उत्तर प्रदेश के जो होम सेक्रेटरी हैं, यूपी के जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर किया, पर इसमें भी इस चीज़ को क्लियर करा कि ना किसी भी होम मिनिस्ट्री के पास, होम सेक्रेटरी के पास ऐसा पावर नहीं होता कि वो ऑर्डर कर सके कि वो इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब जो कि पावर हमारे सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास होती है, वही या तो हायर अथॉरिटी है उस स्टेट की, हायर अथॉरिटी कौन होगी, ऑफकोर्स हाई कोर्ट होगी, उस अमरी जो हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट है, आप उससे परमिशन लेकर के री इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा सेविल इलेंजपली स्टेट ऑफ केरला। अब इसमें ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या फैक्ट समझिए, दो को एक्यूज थे, एक एक्यूज को पहले ही बेल मिल जाती है, दूसरा एक्यूज बाद में बेल लेता है। जब दूसरे एक्यूज बेल लेने जाता है तो उसको ये बोला जाता है जो तुम्हारा पहला एक्यूज था, मतलब जो पहला को एक्यूज था वो वापस नहीं आया तो तुम्हें बेल नहीं मिलेगा। ये केरला हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया, ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट मिलता है कि सिर्फ इस हिसाब पे किसी को बेल देने से नहीं रोका जा सकता है क्योंकि उसका को एक्यूज नहीं आया, तो फिर उसको भी बेल ग्रांट करने की परमिशन दी गई। ठीक, ये हो गया हमारा सेविंग का केस। नेक्स्ट केस है हमारा जो कि सोसाइटी फॉर राइट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी वर्सेस जनहित अभियान। अब इसमें क्या होता है, EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EWS है ना, इसमें क्या क्वेश्चन आता है, ये गलत है,
मतलब जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है इनको 10% का वो गलत है। ऐसी पिटीशंस कई आती हैं उनका क्लिक करके आंसर आता है, मतलब जितनी भी पिटीशन थी उनको रद्द कर दिया गया और उसको कंसीडर किया गया कि जो भी अभी जो हमारी EWS की रिजर्वेशन है वो उसको अभी भी चलेगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं आया, पिटीशन को कैंसिल कर दी गई, तो इसका मतलब खारिज हो गया। नेक्स्ट केस है हमारा गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। ये सबसे ज़्यादा चर्चे में हमारा केस है, जो कि जो NCT दिल्ली का केस है भाई, ये सबसे ज़्यादा इस टाइम में चर्चे में रहने वाला केस है। बहुत अच्छे से समझिएगा और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें दो क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन क्या टसल एक तरीके से देखा जाए। बहुत समय से देखा जा रहा है जो हमारे स्टेट, जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट है और जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसमें हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है, बल्कि टसल रहा है कि किसकी पावर किसके पास होगी। तो इस केस में ये आया, जो भी दिल्ली की गवर्नमेंट के पास सर्विस से रिलेटेड मैटर है या नहीं, पहला क्वेश्चन। लॉ और मैटर रिलेटेड मैटर्स क्या दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लैंड रिलेटेड मैटर्स दिल्ली गवर्नमेंट को डेलीगेशन, मतलब उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये उन जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट है उसके फेवर में आंसर करते हुए उन्होंने ये कहा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का Schedule 7 है उसमें List 2 में दिया हुआ है, List 2 Entry Number 41 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जो ये पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इस जब इस जजमेंट के बाद, इन जो गवर्नमेंट के फेवर के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट एक बिल को पेश कर देती है और उसमें जो भी पावर्स थी उन पावर्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर को के पास डाल दी गई और उसमें कुछ कमीशन बनाई जाएगी, उसके जो मेंबर्स होंगे वो जैसे CM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होंगे। पहले क्या था, इसमें CJM को भी यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी ऐड किया गया था, लेकिन उनको इस बार हटाते हुए इन लोगों को ऐड किया उस कमीशन के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा NCT के दिल्ली का केस। नेक्स्ट केस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आपने इससे पहले भी सुना होगा, पर इसलिए इस टाइम ये केस चर्चे में है, इसमें थोड़ा सा जो स्ट्रिक्टनेस थी ना उसको फ्री कर दिया गया। स्ट्रिक्टनेस क्या फ्री कर दिया, इस केस में क्या होता है, जो तमिलनाडु और महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पशुओं से लेकर के जो बैल होते हैं उनमें आप लोगों ने जलीकट्टू का नाम बहुत सुना होगा, कंबला का बहुत सुना होगा, कुंभ कार्ट रेसिंग का भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो ये सब इस एक पहले केस आया था उसमें इसको बैन कर दिया गया था, पर मतलब जो 2014 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराजन के केस में जलीकट्टू को बैन कर दिया गया था। तो जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है ना, इस चीज़ को नोटिफिकेशन निकाला कि जो ये सब है ये बैन ने, मतलब इस बैन को हटाया और अब ये नॉर्मली किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे केसेस। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा, कॉमेंट भी करिएगा। आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में ही इस अगर कुछ पूछना है इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि कई लोगों हमसे जैसे LLB कैसे करना है ये सब पूछते हैं, तो हम लोगों ने उस पर वीडियो बनाए, तो आप भी कर सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।